नमस्ते। कुछ संस्थाएं हैं जो आचार्य प्रशांत जी के खिलाफ कुछ बहुत ही अनाप शनाप भूल जुलूल और अबोध तरीके से गलत प्रचार कर रही हैं, भ्रामक प्रचार कर रही हैं। आप जानते हैं बेशक से कौन बढ़ का हिस्सा ले रहे हैं। गीता जी के ऊपर जो मोक्षदायिनी मुक्तिदायिनी हैं, उनके ऊपर मैनेजमेंट और बिजनेस चलाने वालों को अच्छा, और आचार्य जी जो मुक्ति की ओर प्रेरित करते हैं और जीवन में सत्य के लिए संघर्ष करना होता है क्योंकि आप अपनी चेतना की निम्नतम अवस्था में हैं, और चेतना की निम्नतम अवस्था से उच्चतम अवस्था में जाने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। अगर बिना संघर्ष के मुक्ति मिल जाए तो ये बहुत ही सस्ती बात हो जाएगी ना। इस झूठे संसार में, इस माया में, इस भ्रम में, इस इल्यूजन में अगर खुद को मुक्ति तक पहुँचाना है और औरों को पहुँचाना है, औरों को जगाना है जहाँ पर सब सोए हुए हैं, जिसके लिए संघर्ष तो करना ही पड़ता है। हर महापुरुष, फिर चाहे आप वो स्वामी विवेकानंद जी, आचार्य शंकराचार्य जी, रामानुजाचार्य जी और चैतन्य महाप्रभु जी, कृष्ण जी, आचार्य प्रशांत जी, श्रील प्रभुपाद जी, ओशो जी, जय कृष्णमूर्ति जी, रमण महर्षि जी, दयानंद सरस्वती जी इत्यादि इत्यादि बहुत ही महापुरुष हुए हैं। सोक्रेटिस, जिन्होंने जहर पी लिया, कृष्ण जी ने, जिन्होंने इतने 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 अध्याय एक से अध्याय 18 तक जितना नीचे से नीचे, ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे, जितने लेवल पर नीचे के समझाया है ना, आप देखिए ना क्या वो संघर्ष नहीं है। स्वामी विवेकानंद जी ने अपनी एक छोटी सी उम्र में भारत भ्रमण किया, उनके पास उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं थी, फिर भी उन्होंने कितने कष्टों से अपना भोजन किया। कई दिनों के बस वो चावल, पानी, उसमें नमक डाल के खाया करते थे। ये सब क्या कहेंगे, हाँ ये संघर्ष तो है ही ना। हाँ, उनके लिए संघर्ष नहीं होता है, उनके लिए क्या नहीं होता, संघर्ष नहीं होता। उनके लिए क्या होता है, ये मज़ा। कैसे मज़ा, सत्य के लिए लड़ना, सत्य के लिए। लेकिन हाँ, ये संघर्ष तो है ना, हमारे लिए संघर्ष है ना, और हम कहें तो मज़ा है। तो अगर ये तो मज़ा है तो फिर संघर्ष क्या होगा उसमें, ये मज़ा है तो हमारे लेवल पर ये संघर्ष है। और जो महापुरुष सत्य में लीन ही हो गए हैं, उनके लिए ये बस क्या है, कुछ नहीं। लेकिन जिस तरीके से बाकी संस्था वाले कह रहे हैं ना, आचार्य जी आपसे बहुत ज़्यादा संघर्ष करते हैं। आचार्य जी के पास टाइम नहीं होता है सोने का। अगर आप उन्हें फॉलो करते हैं ज़रूर देख पाते हैं, फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, ऐप पे अवेलेबल है उनके छोटे छोटे लाइफ के हिस्से जो कि उन्होंने खुद नहीं बताए। उन संस्था वालों ने, उनके अंदर ये बर्दाश्त नहीं हुआ कि आचार्य जी इतना कैसे कर लेते हैं। उन्होंने कभी कहा मुझे बहुत संघर्ष है, मुझे बहुत संघर्ष है, किसी महापुरुष ने कहा नहीं। लेकिन संघर्ष तो रहता है ना, हम जैसे अधम प्राणियों तक कोई सत्य पहुंचाने आएंगे तो क्या संघर्ष नहीं लगेगा। हम जैसे, अगर वो खुद भी जब मुक्ति तक पहुंच रहे थे, जब वो ज्ञान तक पहुंच रहे थे, जब वो साधक थे, तो क्या उनको सत्य तक पहुंचने के लिए संघर्ष नहीं करना पड़ा। क्या आपको संघर्ष नहीं करना पड़ा, अपने मन से पूछिए। ऐसे स्टूपिड, मूर्ख और अबोध बातों में आप आ कैसे जाते हो, क्यों? क्योंकि वेदांत पढ़ा नहीं, अद्वैत वेदांत का अभी आता नहीं, मुझे भी नहीं आता, पर कोशिश तो कर सकते हैं ना। ऐसी मूड बातों में फंसने से अच्छा है